press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय वीडियो। मैं प्रदीप दुबे। फ्रेंड, आज मैं बात करूंगा हीरा गोल्ड कंपनी के बारे में। प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेके अंत तक वॉच कीजिएगा। आप लोग से बता देना चाहते हैं कि आज है 18 जून और आज की डेट में नौहीरा शेख आपा जी का नामपली कोर्ट में सुनवाई है। कल के डेट में 17 जून था तो कल के डेट में नौहीरा शेख आपा जी का नामपली कोर्ट में सुनवाई था और वहाँ पे कुछ बहसबाजी, कुछ बातें सामने आई जो कि उस चीज़ को टाल के उसका डेट एक दिन बढ़ा के 18 जून कर दिया गया। आपको बता देना चाहते हैं कि नामपली कोर्ट में चार केस थे जिनमें से दो की सुनवाई हो गई थी और एक केस था जिसका 90 दिन न होने के कारण जो है उसको केस फाइल नहीं किया गया था और जब 90 दिन हुआ तो वो भी केस फाइल हुआ और उसका भी जो है रिजल्ट सामने आ गया और वो भी क्लियर हो गया। बचा था एक केस जो कि उसका कल के डेट में कुछ बातें, कुछ बहसबाजी, कुछ ऐसी बातें सामने आई थी तो जज ने इस चीज़ को 18 जून को कर दिया। तो आज है 18 जून। अब आज की डेट में नवापल्ली कोर्ट में जो उनका लास्ट वाला केस था, चौथा नंबर, उसका भी सुनवाई हो जाएगा। तो नौहीरा शेख आपा जी को धीरे धीरे बड़े आसानी से हर जगह से उनको जो प्रॉब्लम चल रही थी वो दूर होता जा रहा है। और आप लोग से बता देना चाहते हैं कि 24 जून को हैदराबाद कोर्ट में और मुंबई महाराष्ट्र कोर्ट में नौहीरा शेख आपा जी का फाइनल बेल था, उसका सुनवाई होने वाला है। ये बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि 24 जून जो है नौहीरा शेख आपा जी के लिए बहुत बड़ा दिन है। अब देखना यह है कि 24 जून के डेट में क्या कोर्ट अपना फैसला देती है और क्या बातें सामने आता है। पर मुझे पूरा विश्वास है कि अपने देश का कानून नौहीरा शेख आपा जी के संग गलत नहीं करेगा, क्योंकि गलत इसलिए नहीं करेगा कि नौहीरा शेख आपा जी अपने दम पर, अपने पैरों पर और सीना ताने खड़ी हैं कि मैं जो है गलत नहीं हूँ और मैं जो है अपने पूरे हिम्मत और हौसले के साथ इस प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगी और लड़ूँगी। तो ये सब बातें हैं। और एक बात आपको और बता देना चाहते हैं, जो भी एक केस चल रहे हैं, एक केस की सुनवाई बहुत जल्दी जल्दी हो रही है। और आपको बता देना चाहते हैं, पहले नौहीरा शेख आपा जी का केस का जो सुनवाई रहता था उसको एक महीने, डेढ़ महीने या दो महीने के लिए रखा जाता था, पर क्या है कि अब नौहीरा शेख आपा जी का जो केस का प्रॉब्लम है इसको बहुत जल्दी रखा जा रहा है, जैसे कि एक हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, 5 दिन, इतने दिन का गैप करके केस को रखा जा रहा है और उनकी सुनवाई होने की पूरी पूरी चांस बढ़ती जा रही है। तो ये जान लो कि जिसके केस का अगर फाइनल अपडेट आने वाला रहता है, अगर जिसको बाहर आने की उम्मीद पूरी बढ़ जाती है, उनके केस का जो फाइल होता है बहुत जल्दी जल्दी उनको डेट मिलता रहता है। तो आप लोग समझ जाइए कि अब जो है नौहीरा शेख आपा जी को चारों तरफ से बेल मिलती जा रही है और आगे भी मिलती रहेगी। और नौहीरा शेख आपा जी इतना जान लो कि उनको ज़्यादा दिन नहीं लगेगा और भगवान और खुदा चाहेंगे तो बहुत जल्दी वो बाहर आएंगी। बस क्या है कि आप लोग का दुआ और आप लोग का हौसला उनके साथ बना है, इसलिए उनका भी हौसला बढ़ता जा रहा है कि मेरे इन्वेस्टर लोग मेरे साथ हैं। तो यही कुछ अपडेट थे जो कि मैंने आपको बताया है कल वाले डेट में क्या हुआ था। और इसके बाद 24 जून को मुंबई महाराष्ट्र और इसके बाद हैदराबाद कोर्ट की सुनवाई है और वो भी छोटा मोटा सुनवाई नहीं है, बहुत बड़ा सुनवाई है और इसके लिए सभी लोग को बेसब्री से इंतज़ार है। तो ज़्यादा दिन नहीं है, अब देखना ये है क्या आगे होता है। जो भी अपडेट आएगा मैं आपके बीच में पहुँचाता रहूँगा। और इतना जान लो कि पैसा आप लोग का 100% मिलेगा, ऐसा नहीं है कि आप लोग का पैसा नहीं मिलेगा। जब जिस दिन आप लोग का पैसा मिलेगा उस दिन मैं आप लोग को लाइव आकर आप लोग से मैं बातें करूँगा और आप लोग से एक ही सवाल पूछूँगा कि जो लोग भी फालतू केस करके नौहीरा शेख आपा जी को परेशान करते थे आज उनका सर देखो झुक गया। नौहीरा शेख आपा जी ने दावा किया है कि मैं जिस दिन पैसा दूंगी उसी दिन जो भी मेरे दुश्मन है मैं उनको मुंह तोड़ जवाब दूंगी कि क्या होता है किसी के ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगाना। तो यही सब बातें हैं। तो आप लोग इंतज़ार कीजिए और देखिए आगे क्या होता है। जो भी खबर आएगी मैं आप लोग के बीच में पहुँचाता रहूँगा। बस इतना ही कहना था। अगर हमारी वीडियो आप लोग को अच्छी लगी है तो लाइक करना, शेयर करना,
आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट करना। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।